साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में समालोचना। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अधिकांश शुक्लोत्तर समालोचक सक्रिय रहे। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो लिखा वह आधुनिक साहित्य के विषय में है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत पर काम किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास काव्य की लालित्य मीमांसा करते हुए काव्य रचना के विषय में कुछ मौलिक प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। इन आलोचकों का प्रभाव तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना पर है, किंतु अधिकांश महत्वपूर्ण समालोचना ग्रंथ 1947 ईस्वी के पूर्व निकल चुके थे। ये व्यावहारिक आलोचना पहले कर चुके थे। इस कालखंड में इन्होंने सिद्धांत निर्माण का काम ज्यादा किया। नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर और डॉक्टर नगेंद्र के सुमित्रा नंदन पंत और साकेत एक अध्ययन 1947 ईस्वी के पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे। इन आलोचकों की प्रारंभिक समालोचना दृष्टि शुक्ल जी से टकराकर विकसित हुई थी। वाजपेयी जी और डॉक्टर नगेंद्र ने उनके छायावाद संबंधी विचारों की आलोचना की थी। द्विवेदी जी ने कबीर का मूल्यांकन शुक्ल जी से भिन्न प्रकार का किया और भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारणों के विषय में भी असहमति प्रकट की। वाजपेयी जी ने 1947 ईस्वी के बाद अधिकांश फुटकल साहित्य निबंध लिखे। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक साहित्य पर समीक्षात्मक निबंध लिखे। किसी एक कवि या ग्रंथ पर कोई पूरी पुस्तक नहीं आई। देव पर उनका शोध ग्रंथ अवश्य प्रकाशित हुआ। रस सिद्धांत की उन्होंने जीवनवादी व्याख्या की। पाश्चात्य एवं भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अनेक ग्रंथों का संकलन किया। उनका ध्यान नए नए आलोचना सिद्धांतों पर लगातार जाता रहा है। जैसे कुछ समय पूर्व ही नए समीक्षा साहित्य का समाज शास्त्रीय अध्ययन और शैली विज्ञान पर भी उनकी किताबें आई हैं। द्विवेदी जी ठेठ आलोचक नहीं हैं। उनकी समीक्षा आलोचना का अनुशासन स्वीकार नहीं करती। आलोचना लिखते समय भी उनकी शैली ललित निबंधकार की ही होती है। वे रचना पूर्व बाह्यांतर कारणों एवं स्थितियों पर विचार ज्यादा करते हैं। रचनाकार का वास्तविक आशय क्या है, इस पर बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए वे प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के ऐतिहासिक अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रक्रिया से वे आलोचना के अनुशासन में ना भी बंधे तो भी अर्थ का विस्तार करते हैं, जो कि आलोचना का वास्तविक क्षेत्र है। इसीलिए द्विवेदी जी आलोचना शास्त्र का अनुसरण ना करके भी श्रेष्ठ आलोचकों में हैं। मेघदूत एक कहानी
इसीलिए आलोचना की पुस्तक के रूप में भी उपादेय है। कालिदास की लालित्य योजना में उन्होंने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की व्याख्या की। द्विवेदी जी की व्याख्या ऐसी होती है कि उसके काव्यार्थ की पहचान हो जाती है। अंतिम दिनों में द्विवेदी जी का ध्यान विभिन्न कलाओं के विकास के संदर्भ में कविता के उद्भव और विकास की ओर गया था। इसे समझाने के लिए उन्होंने मिथक, नृतत्व विज्ञान आदि का गंभीर अध्ययन करके कुछ निबंध लिखे, जिनका उपयोग कालिदास की लालित्य योजना में हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना का विकास प्रधानतः प्रगतिशील और व्यक्तिवादी आलोचना के द्वंद्व से हुआ है। प्रगतिशील आलोचना समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती है। व्यक्तिवादी आलोचकों ने बहुत कुछ रूपवादी रुख अपनाया। इनका आग्रह इस ढंग से भी प्रकट हुआ कि कृति की विशिष्टता और उसके कलात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी आलोचना में सभी प्रकार की विचारधारा से परहेज और यथासंभव रचना से उसे दूर रखने का आग्रह होता है। इस प्रकार की आलोचना अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण साही, धर्मवीर भारती आदि के लेखों में मिलती है। इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें नई कविता की प्रवृत्तियों को रेखांकित करने का प्रयास है। उनके अनुसार लघु मानव को काव्य का विषय बनाना और कविता को राजनीतिक वादों से बचाए रखना नई कविता का प्रधान लक्षण है। अज्ञेय ने रचना की निजता, स्वायत्तता और बाहरी अतिवादों से साहित्य को बचाए रखने पर जोर दिया। अज्ञेय ने रचनात्मक भाषा शैली को फैशन या रीति बना देना रचनात्मकता के लिए हानिकारक बताया। धर्मवीर भारती ने अपनी पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में प्रगतिवादी रचना दृष्टि का विरोध किया। विजय देव नारायण साही की आलोचना दृष्टि इतिहास निरपेक्ष नहीं है। वे हिंदी साहित्य की परंपराओं का महत्व समझते हैं। समीक्षा करते समय उनका ध्यान लोक जीवन और साहित्य पर भी रहता है। उन्होंने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट आदि विचारोत्तेजक आलोचनात्मक निबंध लिखे, जिनकी गूंज बहुत दिनों तक बनी रही। 1983 में उनकी मृत्यु के उपरांत जायसी पर उनका समीक्षात्मक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो काफी चर्चित हुआ। प्रगतिशील आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉ. रामविलास शर्मा, चंद्रबली सिंह और डॉ. नामवर सिंह प्रमुख हैं। शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त ने प्रगतिवादी दृष्टि से अनेक रचनाकारों, कृतियों और जनवादी समस्याओं पर फुटकल निबंध लिखे। इनकी भूमिका लेखकों और पाठकों को मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराने या उन्हें प्रेरित करने में है। प्रारंभ में प्रगतिशील आलोचना परंपरा का विरोध करने में संयम कम बरतती थी। 1912 से 2000 ईस्वी के मध्य रामविलास शर्मा ने परंपरा का उचित मूल्यांकन करके प्रगतिशील समीक्षा को हिंदी की जातीय साहित्यिक परंपरा से जोड़ा। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर परिश्रम पूर्वक गंभीर पुस्तकें लिखकर प्रगतिवादी आलोचना को प्रतिष्ठित किया। निराला पर पहला लेख उन्होंने 1934 ईस्वी में लिखा था। तब से लगभग 40 वर्षों तक वे साहित्य का अध्ययन मनन करते रहे। इसका परिणाम निराला की साहित्य साधना के तीन खंड हैं।
डॉक्टर शर्मा ने निराला के व्यक्तित्व और साहित्य में अंतःसंबद्धता एवं अन्योन्याश्रय संबंध देखा। निराला की साहित्य साधना के दो खंडों में निराला के साहित्य की समालोचना है। डॉक्टर शर्मा ने निराला के काव्य की समालोचना स्थापत्य को ध्यान में रखकर की है, जिसमें शब्द और अर्थ की विविध रूपता को एक भवन के आकार की तरह देखा जाता है। निराला की कविताओं को दुरूह समझा जाता रहा है, इसके लिए उनका उपहास भी किया जाता था। डॉक्टर शर्मा ने निराला की कविताओं में उनका विश्वबोध, तार्किकता, अर्थ संगति खोजी, उन्हें अन्यतम मानवीय करुणा, वयस्क श्रृंगार का कवि बताया। निराला के कला पक्ष की विवेचना करते हुए डॉक्टर शर्मा ने आधुनिक समीक्षा के क्षेत्र में प्रचलित प्रायः सभी आलोचना पद्धतियों का उपयोग किया है। उन्होंने हिंदी आलोचना को अनुचित रूपवादी आग्रह और वस्तुवादी एकांगिता से बचाकर उसकी समर्थ परंपरा का विकास किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आग्रहों और निष्कर्षों से सर्वत्र सहमत होना असंभव है। पंत, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो उन्होंने लिखा है, वह उनकी आलोचना का दुर्बल एवं एकाकी पक्ष है। नामवर सिंह, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। हिंदी के समकालीन लेखन को वे सर्वाधिक प्रभावित करने वाले समालोचक हैं। अनेक भाषाओं के साहित्य पर उनकी निगाह रहती है, जिससे उनका साहित्य चिंतन पुष्ट होता रहता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने समय समय पर समसामयिक साहित्य की अनेक समस्याओं पर विचार करते हुए अनेक लेखों के अतिरिक्त छायावाद, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। इनमें अंतिम पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर है। इसके अतिरिक्त उनके लेखों का एक संकलन इतिहास और आलोचना नाम से प्रकाशित हो चुका है। छायावाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय कहा, जिसमें राष्ट्रीय जागरण की भावना केंद्र में थी। इस पुस्तक में उन्होंने छायावाद के भाव और कला पक्ष की विविध प्रवृत्तियों का विवेचन करके छायावाद के ऐतिहासिक महत्व एवं काव्योत्कर्ष की व्याख्या की। कहानी, नई कहानी का महत्व इस बात में है कि इस पुस्तक के द्वारा हिंदी में कहानी आलोचना की गंभीर परंपरा प्रारंभ हुई। हिंदी आलोचना इसके पूर्व प्रधानतः कविता की आलोचना थी। इसके द्वारा नई कहानी आंदोलन प्रतिष्ठित और परिभाषित हुआ। इसमें नई कहानी और पुरानी कहानी का अंतर बताया गया और प्रमुख हिंदी कहानियों की विवेचना व्याख्या की गई। कविता के नए प्रतिमान भी वस्तुतः नई कविता की ही विवेचना करती है। इसमें कविता का विश्लेषण करने में सहायक विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों की व्याख्या नई कविता की व्यावहारिक आलोचना की प्रक्रिया में की गई है। मुक्तिबोध प्रधानतः कवि थे, किंतु उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। कामायनी एक पुनर्विचार में उन्होंने कामायनी को बृहद फैंटेसी कहा और मनु को ध्वस्त होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी यह आलोचना कृति विचारोत्तेजक थी, किंतु अब वह मान्य हो चली है। मुक्तिबोध ने पंत, त्रिलोचन, शमशेर, दिनकर की उर्वशी आदि पर मौलिक विचार प्रस्तुत करके अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। कविता की रचना प्रक्रिया संबंधी उनके विचार उनके सूक्ष्म काव्य चिंतन का परिचय देते हैं।
चंद्रबलि सिंह प्रतिभाशाली प्रगतिवादी आलोचक हैं, जिनके निबंध लोक दृष्टि और साहित्य में संकलित हैं। श्री विजय शंकर मल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ आदि अन्य उल्लेखनीय प्रगतिशील आलोचक हैं। डॉक्टर देवराज और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी विचारधारा या साहित्यिक सिद्धांत से प्रतिबद्ध आलोचक नहीं हैं। उनकी आलोचना में एक प्रकार का खुलापन है। डॉक्टर देवराज दर्शन के अध्यापक हैं। उनकी आलोचना का स्तर गंभीर होता है और निष्कर्ष स्पष्ट। उन्होंने छायावाद का पतन लिखकर ख्याति प्राप्त की। देवी शंकर अवस्थी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे उन आलोचकों में हैं जो साहित्य की परीक्षा के लिए भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानते हैं। आलोचना के क्षेत्र में तार सप्तक के कवि नेमीचंद्र जैन का भी उल्लेखनीय योगदान है। रंग दर्शन पुस्तक के माध्यम से नाट्यालोचन के क्षेत्र में उन्होंने मूल्यांकन की नई कसौटियां कायम की। अधूरे साक्षात्कार में उपन्यास की आलोचना की नई भाषा विकसित करने की कोशिश की। बदलते परिप्रेक्ष्य तथा जनांतिक उनकी अन्य महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। इधर हिंदी आलोचना पर शैली विज्ञान और संरचनावाद का प्रभाव पड़ा। वस्तुतः शैली विज्ञान या संरचनात्मक विश्लेषण समालोचना के उपकरण है, समालोचना नहीं। इन दोनों विषयों पर डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने प्रचुर जानकारी देने वाली पुस्तकें लिखी हैं। अन्य महत्वपूर्ण आलोचकों में सुरेंद्र चौधरी, धनंजय वर्मा, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे, परमानंद श्रीवास्तव, खगेंद्र ठाकुर, डॉक्टर निर्मला जैन, कमला प्रसाद, नंद किशोर नवल, डॉक्टर धर्मवीर, शिवराज सिंह बेचैन के नाम उल्लेखनीय हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में समालोचना। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर दीपक शर्मा और भावना चौधरी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।